हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। और आज की इस वीडियो को मैंने अपने मेन फार्म के ऊपर नहीं किया क्योंकि उसमें बोट आने की संभावना नहीं थी। तो मैंने इस वाले फार्म पे, जो मेरा 49 वाला फार्म है, इसके ऊपर मैंने बोट आ गई है और इसी पे मैं सारा सब कुछ आपको शुरुआत से बताने वाली हूँ कि मशीन आते हुए और सब कुछ। देखिए, इसमें मैंने इसीलिए गिफ्ट भी नहीं उठाया ताकि हम पोस्टमैन को आते हुए देखेंगे। ये देखिए, मैं ये गिफ्ट उठा लेती हूँ जिसमें मुझे 10 डायमंड मिल जाएंगे और इसके बाद ही वो पोस्टमैन आएगा। और ये देखिए, दिख रहा है आपको, और ये हमें आकर के मशीन दे करके जाएगा। इससे पहले आपको मैं और कुछ बता दूं, देखिए ये हेडे फ्लावर दिख रहा है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं डर्बी या कुछ भी खेलती हूँ, तो मैं अपने इस तरह के जो मेरे सेकंड फार्म है उसके ऊपर आकर के और मैं हेल्प ले लेती हूँ। देखिए, पोस्टमैन पहुँच गया है लगभग और अब ये रख करके जा रहा है और इसको हम करते हैं ओपन। देखिए, अभी भी हमारे पास डायमंड आए, यानी कि एक बार और आएगा। इस वाले फार्म को मैंने काफ़ी समय से नहीं खोला, इसलिए मशीन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। अभी ये वापस आएगा, तब तक हम कुछ दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, ये बोट के ऊपर मैंने बोट को पहले से ही यहाँ पर बुला लिया है और बोट के अंदर मुझे ये ऊपर आपको दिख रहा है, बीच में हमें गिफ्ट डालने हैं और नीचे हमें ये, यानी कि जो हम पहले जो बोट हमारी आया करती थी वैसी ही है, बस बीच में इसका जो है वो चेंज हो गया है जिसमें कि हमें गिफ्ट पहुंचाने हैं। अब देखिए, फिर से आ रहा है पोस्टमैन और इस बार डेफिनेटली वो मशीन लेकर के आएगा। ये देखिए, इस बार वो मशीन का डिब्बा ही लेकर के आया है, बिल्कुल वही है। ये देखिए, मशीन को हमने ले लिया, गिफ्ट रैपिंग मशीन है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो बना करके दिखा भी चुकी हूँ। अब इसको हम यहाँ से लेते हैं और देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये देखिए गिफ्ट बनाने का, क्योंकि ये फार्म का लेवल कम है इसलिए ये अनलॉक नहीं हुआ है, क्योंकि ये 70 लेवल पर होता है जबकि मेरे मेन फार्म के ऊपर ये हो चुका है। ये इसका देखिए, ये तीन खुल चुके हैं और अभी हमारे पास हमें ये वाली जो गिफ्ट है इसको हमें बोट में डालना है, तो ये वाले हम बनने के लिए रख देते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं 3 डायमंड खर्च करके एक इसमें से ये उठा लेती हूँ। ये देखिए, अब हमारे यहाँ पे आ चुका होगा ये। ये देखिए, रहा एक काउंटिंग में आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको बोट में, ये देखिए बोट में मैंने इसको डाल दिया। इसके साथ ही मेरे पास 20 होली करेंसी जो है वो पहुँच चुकी है। अब इस हम होली करेंसी से, अब जैसे मैंने आपको बताया भी था कि और बोट में जो दूसरी सब चीज़ें हैं वो हम वैसे ही फील करते जाएंगे और उससे हमें सिंपल वे में जो करेंसी मिलती है वही मिलेगी और सब कुछ वैसा ही सब कुछ होगा। पर एक जो गिफ्ट वाला जो हम अगर फील करते हैं तो उससे हमें होली करेंसी मिलेगी और होली करेंसी से, अब मैं आपको कैटलॉग दिखाती हूँ। ये देखिए कैटलॉग, इसमें से कैटलॉग में से आप कुछ भी चीज़ कलेक्ट परचेज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इस साइड में, ये देखिए ग्रीन वाउचर के नीचे ये आप दिख रहा है, ये जो होली करेंसी है वो कलेक्ट होनी शुरू हो गई। 20 मेरी अभी हो चुकी है, ठीक है। और अब हम कैटलॉग दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये है कैटलॉग जिसमें अगर 50 करेंसी इकट्ठी हो जाए तो आप ये इस तरीके से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। देखिए, 600 होने पर हम 3x परमिट ले सकते हैं, 200 होने पर हम सिंगल ले सकते हैं। इसी तरीके से 200 करेंसी होली करेंसी हो जाने पर ये सारा आपके सामने, एक्सपेंशन परमिट लेना और ये सारा इसके आपके सामने डिटेल दी हुई है। हाल फिलहाल में अगर मैं आपको बताऊँ तो 20 करेंसी में मैं अगर कोई चीज़ खरीद सकती हूँ, तो देखिए अभी तक तो कोई चीज़ ऐसी आई नहीं है। हाँ, एक मैं ये चीज़ खरीद सकती हूँ, या टॉम का हायर टॉम फॉर फ्री, ये मैं ले सकती हूँ। तो चलिए मैं आपके सामने ये करके दिखा देती हूँ। हम टॉम को हायर कर लेते हैं और या फिर एक बार हम ये और देख लेते हैं कि और क्या चीज़ है अच्छी यहाँ पे टॉम के अलावा। इससे तो हम ये एक्स ले लेते हैं,
25 में हम ये भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं एक्स भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम ले सकते हैं 500 भी मिलेंगी हमें, और चिक वाउचर भी ले सकते हैं। आपको मैंने अपनी वीडियो में ही पहले दिखाया था, चिक वाउचर्स हैं, ब्लू प्रिंट्स हैं, परमिट्स हैं, और जो भी चीज़ें आप इसको पूरा ओपन करके देखिएगा कि इसमें सब तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ टाइम 6 दिन 21 घंटे, यानी कि पूरे हफ्ते के लिए ये आपके पास कैटलॉग है, और उसके बाद फिर ये अनलॉक होता जाएगा और आप इसमें से चीज़ें ले सकते हैं। अपकमिंग यानी कि चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी इसमें, ये सारी चीज़ें आप इसमें से परचेज कर सकते हैं। तो ये कैटलॉग भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, और आप इसको अच्छे से देखिएगा और आपको इसमें से पता लग ही जाएगा। और ये पीछे जो है वो ये सिंपल वाला वही है जैसा कि हमारे पास था। तो चलिए पहले मैं आपको वो परचेज करके दिखा रही थी, एक परचेज करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैं ऑर्डर परचेज 20 मेरे पास होली करेंसी है, ये मैंने परचेज ऑर्डर कर दिया। ये देखिए पोस्टमैन आ गया है, और वो आकर के जो भी चीज़ हमने मंगाई है वो हमें मिल जाएगी। ये देखिए पोस्टमैन आकर के रख गया है जो हमने परचेज किया था। ये देखिए टॉम का वाउचर आ गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। कैटलॉग में जो भी चीज आपको दिख रही है, चाहे वो 6 दिन की हो, देखिए इधर आपको दिख रहा होगा लिविंग इन, और ये कमिंग इन है, यानी कि ये भी आने वाली है, आई नहीं है। तो कैटलॉग को आप अच्छे से, आप भी अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद ही आपको पता लगेगा। क्योंकि जब भी, जैसे हम देखते हैं कि रिफ्रेश जब भी होता है हर दिन, उस हिसाब से ये चीज़ें इसमें से अनलॉक होती जाएंगी। आपको मैंने बता ही दिया था कि अभी इस वीक का जो नई वैली स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए, मंडे से लेकर के मंडे को आपका है फार्म विजिटर इवेंट, ट्यूसडे को है बॉट इवेंट, और वेडनेसडे को है फार्म विजिटर इवेंट 2x कॉइन वाला, थर्सडे को है ट्रक ऑर्डर, ग्लोबल ट्रक ऑर्डर है, सैटरडे को दिन 2x एक्सपी वाला है, और संडे के दिन बॉट इवेंट है एक्स्ट्रा पजल वाला। तो ये मैंने आपको कैलेंडर के बारे में भी बता दिया। और अब तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।